सम्मेलन का परसों रात अचानक ही बंद करने के फैसले का इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सराहना करना वास्तव में इनकी ये अंत भक्ति होने का ही बयान प्रतीत होता है। जबकि भाजपा अध्यक्ष को ये मालूम होना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक का कार्य क्षेत्र बहुत ही सीमित व लक्षित होता है। अगर देश के 500 या 1000 बड़े बड़े पूंजीपतियों, मैं बताना चाह रही हूं कि अगर देश के 500 या 1000 बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के यहां ही एक साथ छापेमारी होती है तो फिर ये देश में इनका ये वास्तव में काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक माना जा सकता है। और तब फिर पूरे देश की आम जनता निश्चित ही तो इसकी सराहना भी करती, परंतु जिस सरकारी फैसले से देश के समस्त आम जनता ही परेशान हो जाए, वह देश के लगभग 125 करोड़ की आबादी ही अफरा तफरी का शिकार हो जाए तथा हर गृहस्थी व्याकुल हो जाए, उसे सर्जिकल स्ट्राइक कहकर उसकी प्रशंसा भला यहाँ कैसे की जा सकती है। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वह व्यापक जनहित व देश हित के ऐसे फैसले ले जिससे अपने देश का आम जन जीवन प्रभावित ना तथा फिर विभिन्न कानूनों का सख्ती से तथा पूरी ईमानदारी पूर्वक अनुपालन करके उस लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सके जिसकी ये लोग चर्चा कर रहे हैं। अर्थात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अपनी सोच मानसिकता व कार्यशैली को यहाँ व्यापक जनहितैषी बनाने की ही जरूरत है, ऐसी मेरी इनको सलाह है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश स्टेट की बीएसपी की पिछली हुई मासिक बैठक में प्रदेश में शीघ्र ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखकर पार्टी के वरिष्ठ व जिम्मेवार पदाधिकारियों को जो जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे तो उनकी प्रगति के संबंध में आज की बैठक में गहन समीक्षा की जाएगी। साथ ही बैठक में आज बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर जो 9 अक्टूबर को हो चुकी है तो आज बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर दिनांक 9 अक्टूबर को मेरे द्वारा दिए गए भाषण की सीडी व किताब भी जारी की जाएगी तथा उसे फिर उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा की जनसभा में पार्टी के लोगों को दिखाने और साथ ही किताब भी लोगों को पढ़ने के लिए उनको देने के भी निर्देश आज दिए जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अगले महीने दिनांक 6 दिसंबर को भारतीय संविधान के निर्माता एवं कमजोर व उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि है और इससे संबंधित प्रोग्राम के बारे में विस्तार से आज ही जानकारी भी दी जाएगी जिसके संबंध में अलग से प्रेस नोट भी जारी किया जा रहा है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात समाप्त करूं, लेकिन इससे पहले मैं 9 अक्टूबर की सीडी व किताब भी आपके सामने आज जारी कर रही हूं। ये 9 अक्टूबर का लगभग 1.25 घंटे का जो मेरा भाषण था अब ये उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में ये किताब लोगों को पढ़ने के लिए दी जाएगी जिसमें मैंने विरोधी पार्टियों का और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो हवा हवाई जो उनकी खोखली जो उनकी सोच है नीति है नियत है उसका इसमें काफी पर्दाफाश किया गया है। तो ये किताब पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को पढ़ने के लिए दी जाएगी। इसके साथ ही तो जिस दिन ये मेरा भाषण था तो इसकी पूरी भाषण में एक लफ्ज भी नहीं कटा है, इसकी वीडियो बनी है और ये पूरे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में
इसकी वीडियो फिल्म भी स्क्रीन पर लोगों को दिखाई जाएगी। तो ये भी मैं आपको ये दोनों जो है ये मैं आज जारी कर रही हूँ। और कल जो है तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो 403 विधानसभा की सीटें हैं तो उनके उम्मीदवार जो हमने उम्मीदवार फाइनल किया उनको बुलाया हुआ था और उनको ये मैटेरियल हमने विधानसभा के हिसाब से कल उनको दे भी दिया है। लेकिन मीडिया में आज मैं ये जारी कर रही, ये मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ। इन्हीं लक्ष्यों के साथ अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए तो आप लोगों के लिए खाने की भी व्यवस्था की गई है, तो कृपया आप लोग भोजन लेकर मैं आपको किसी